फर्रुखाबाद समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार संविधान बचाओ संकल्प यात्रा लेकर पहुंचे। उन्होंने भाजपा को पूरी तरह कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा कि भाजपा और आरएसएस बाबा साहब का संविधान मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, वो मनुस्मृति का संविधान लिख रही है। शहर के आवास विकास स्थित सपा के प्रदेश सचिव जितेंद्र यादव के कॉलेज में पत्रकारों से वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि समाज के दबे कुचले और वंचित लोगों को लालच उनकी नजरों को भटकाकर भाजपा और आरएसएस बाबा साहेब के संविधान की जगह मनुस्मृति का संविधान लिख रहे हैं। भाजपा बाबा साहेब के संविधान को मिटाने का कार्य कर रही है। संविधान की लड़ाई केवल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ही लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान के प्रति लोग जागरूक नहीं है, उन्हें जागरूक करना होगा, तभी आरएसएस से उनका पीछा छूटेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, जबकि सपा धर्मनिरपेक्षता की राजनीति कर रही है। सपा संविधान को मानती है, जिसमें सभी को बराबरी का हक है। जाति की राजनीति सपा नहीं करती। नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी की आवाज़ से शुरू हुई है, ये उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में जाएगी। ये जो जिन लोग जो समाज के प्रति जागरूक नहीं है, भाजपा और आरएसएस ने जिनको भय लोभ लालच दिखा करके उनको उधर दूसरी तरफ जन नज़र को भटका रखा है और इधर मनुस्मृति का संविधान लिख रहे हैं और बाबा साहब के संविधान को मिटाने का दुष्चक्र कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को जगाने के लिए, उनको जागृत करने के लिए अपने अधिवक्ताओं की टीम को लेकर के मैं पूरे उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर निकला हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।